हैं, सोते नहीं हूं। नहीं, पूरा जागरण चल रहा है, पूरा जागरण चल रहा है, हम पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जी जी जी। आप सभी लोग कांग्रेस से हैं? हाँ। अच्छा, बीजेपी के लोगों को चिंता नहीं है क्या? बीजेपी के लोग हार मान चुके हैं। तो वो भी बोल रहे हैं जीत रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं जीत रहे हैं, होगा क्या छत्तीसगढ़ का? मच्छर मसला नहीं है सर, लेकिन मच्छर मसला नहीं है, आपका रुकना क्यों जरूरी है मसला है? अच्छा, स्ट्रॉन्ग रूम पूरा स्ट्रॉन्ग है, देश के जवान है भी। आप कितना स्ट्रॉन्ग है अभी? हम पूरा फुल स्ट्रॉन्ग है। फुल स्ट्रॉन्ग हो ना? हाँ। भूपेश बघेल जी कितना स्ट्रॉन्ग है अभी? वो फुल स्ट्रॉन्ग है, वो भी फुल स्ट्रॉन्ग है। रिजल्ट कितना स्ट्रॉन्ग आएगा? जिस प्रकार बोर्ड के विद्यार्थी परीक्षा के बाद अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं, उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे मंत्री नेताओं का हाल है। वो भी इलेक्शन के बाद, जो हमारे दुर्ग जिले के 6 विधानसभा में इलेक्शन हुआ है, जो काफ़ी दमदार इलेक्शन रहा है इस बार का, इसको इतिहास में ज़रूर याद रखा जाएगा। तो उस इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है 3 दिसंबर को होगा। मैं इस वक्त शंकराचार्य के टेक्निकल कॉलेज पर हूँ, उसी परिसर में हूँ, और यहाँ पर ये जो आप मेरे पीछे बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग रूम में बोलते हैं कि 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई जाती है। ये पहली लेयर है सिक्योरिटी का, यहीं से होकर जांच परख करने के बाद ही आप अंदर प्रवेश कर पाएंगे, और प्रवेश करने के बाद ही एक और जांच केंद्र बना हुआ है जो दूसरा लेयर है, उसके बाद और एक तीसरा लेयर है। ये सब पार करने के बाद आप मतगणना जहां पर होगा, जहां पर सारे टेबल्स रखे जाएंगे मतगणना के लिए, वहां पर पहुंचेंगे। आपको मैं जिस दृश्य के बारे में बता रहा हूं, वो दृश्य आपको मैं यहां दिखाऊंगा भी। मेरे जस्ट राइट साइड में एक बड़ी सी LED लगी हुई है, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस कॉलेज में लगाया गया है, ताकि हम आपको लाइव दिखा सके कि जहाँ पर मत पेटियाँ रखी गई है, जहाँ पर पूरे EVM मशीन्स रखे हुए हैं, वहाँ का क्या हाल है, वहाँ पर कितनी सिक्योरिटी है, कितना कोई नज़र रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उस LED को लगाया गया है। और यहाँ पर चारों तरफ पुलिस की तैनाती है, और कुछ कार्यकर्ता भी हैं BJP और कांग्रेस के, यहाँ पर टेंट भी लगा हुआ है, लोग रुके हुए हैं। अभी अंधेरा छा चुका है और माहौल फ़िलहाल ठंडा है, लेकिन ये ठंडा माहौल 2 दिन के अंदर ही, आज 1 तारीख है, 2 तारीख से ही, मतलब कल से ही काफ़ी ज़्यादा गर्माना शुरू हो जाएगा, और 3 तारीख को वहाँ इतनी भीड़ होगी कि मैं यहाँ पर आराम से आपको खबर पढ़ नहीं पाऊँगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कुछ और व्यवस्थाएँ, वो भी हम अभी आपको विस्तार से बताते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुल 14 टेबल लगेंगे, जहाँ पर मतगणना के पूरे पेटी रखे जाएंगे और मतगणना शुरू होगा। ऐसा देखा जाए पूरे 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 84 टेबल जो है, मतगणना के जो टेबल लगेंगे वो 84 टेबल लगाए जाएंगे, और मतगणना उसी में शुरू किया जाएगा। तो अंदर क्या कुछ होगा और बाहर क्या कुछ होगा, ये सभी की जानकारी हम आपको KP न्यूज़ में लगातार देते रहेंगे, और आप लगातार KP न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बैठे रहिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स तत्काल आपके फ़ोन तक मिलते रहेंगे। फ़िलहाल मैं अभी चलता हूँ, मेरी राइट साइड जहाँ पर मैंने LED दिखाया था, वहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है, और उस तरफ मच्छरदानी और एक बिखरे हुए बिस्तर रखे गए हैं। ये क्यों रखे गए हैं और ये लोग कौन हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनकी यहाँ क्या ज़रूरत है, इनसे बात करते हैं। भाई, आपने आँखों में सुरमा लगाया है, क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी सुरमा लगाई है अपने आँखों में, कौन सी पार्टी से हो भाई? मैं यह कांग्रेस से हूँ, बिलाई नगर। अच्छा। से देवेंद्र यादव जी के अच्छा, तरफ से आया हूँ। उनकी तरफ से आए हो जी? देवेंद्र यादव जी की तरफ से आए हैं, तो क्या कब से आए हो यहाँ पर? मैं अभी 18 तारीख से यहाँ हूँ। 18 तारीख से यहाँ पर हो, तो क्या कुछ व्यवस्था मिली है आप लोगों को यहाँ पर? व्यवस्था की भैया हमको कोई ज़रूरत है नहीं वैसे तो। अच्छा, हम पार्टी के लिए समर्पित हैं, हम देवेंद्र यादव जी के लिए समर्पित हैं। अच्छा, उनके लिए समर्पित हो जी। सुनने में आया मच्छर बहुत काट रहे हैं जी भैया। मच्छर तो है, मच्छर को हम रोक भी नहीं सकते। हाँ। मच्छर यहाँ खुद बिलाल, अब क्योंकि अपन समर्पित है तो शिकायत भी नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर आप लोग क्या करने के लिए रुके हो? हम यहाँ बैठे हैं भैया, हम अपना हौसला बुलंद कर रहे हैं, हम अपने जवानों का हौसला बुलंद कर रहे हैं, बाकी वो हमारे BSF के जवान हैं, वो
वो है तो हमको कोई चीज की टेंशन है नहीं। हौसला बुलंदी के साथ साथ ईवीएम मशीनों में नजर रखा जा रहा है। जी जी बिल्कुल। अच्छा कौन कौन है आपके साथ? जी मैं हूँ, मेरे दोस्त है, बड़े भैया है, वैशाली नगर से आए हुए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बुद्धशरण बोरकर है जी। हाँ जी, मैं वैशाली नगर विधानसभा से आता हूँ और माननीय मुकेश चंद्राकर जी के बिहाफ में बैठा हूँ मैं। अच्छा, मुकेश चंद्राकर जी के बिहाफ में आप बैठे? जी 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 हाँ। तो वैशाली नगर विधानसभा में चुनाव होने के बाद क्या माहौल है अभी? देखिए, वैशाली नगर में जो इस बार चुनाव हुआ है इसमें माननीय मुकेश चंद्राकर जी बहुत भारी मतों से विजय पा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो विगत 10 सालों से बीजेपी के वहाँ पे विधायक रहे थे। आप तो मतगणना से पहले सूचना? नहीं, बहुत 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 नहीं सही, क्योंकि जो जिस हिसाब से बीजेपी का कार्यकाल रहा 10 साल का, जो निष्क्रिय रहा है, और जिस हिसाब से हमारे जो मुकेश चंद्राकर जी इस बार विधायक के प्रत्याशी बने कांग्रेस से, तो इनके नाम से ही हम जीत चुके हैं पहले ही। अच्छा। तो बस ये तो 3 तारीख इंतजार कर रहे हैं, बाकी भारी मतों से हम वैशाली नगर जीत रहे हैं। यहाँ पर कितने दिनों से आप? जी हम लोग 18 तारीख से। हाँ, आप भी 18 तारीख? जी 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 पर। हाँ, तो यहाँ पर नज़र रखा जा रहा है बराबर कि यहाँ कोई अव्यवस्था है कुछ? हाँ जी, अव्यवस्था तो कुछ नहीं है, बाकी जगह जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है। बस हम लोग क्या है कि याँ पे जो, क्योंकि देखिए हम तो उत्साह हमारे शुरू से रहा है, हम शुरू से कांग्रेस को जीतना चाहते थे, हम चाहते कि आखिरी समय तक हम यहाँ डटे रहे और कांग्रेस की जीत के साथ हम बाहर निकले। अच्छा, तो वही हमारी अपेक्षा है यहाँ पे। अच्छा, आप भाई आपका क्या? भिलाई नगर विधानसभा से हूँ, आशीष नाम है मेरा। विधानसभा से हैं, आशीष नाम है आपका? आशीष नाम है मेरा। डीवाई को सपोर्ट कर रहे हैं हम। डीवाई बता दीजिए एक बार फुल फॉर्म। देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव जी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हम क्या स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर, कैसी व्यवस्थाएं हैं? स्थिति तो आपको सारी दिख ही रही है, हम भी लगे हुए हैं, बीएसएफ के जवान भी लगे हुए हैं। ये है कि बस 3 तारीख रिजल्ट का वेट है। हाँ। जी हमारे भैया आए। हाँ। और सर्टिफिकेट ले जाए। सर्टिफिकेट ले जाए? ले जाए। अच्छा, दौड़ तो आएंगे भैया? दौड़ते ही आएंगे भैया, क्योंकि भैया रुकने वाले नहीं है, वो दौड़ने वाला व्यक्ति है। वो जब जहाँ खड़े हो तो सिर्फ दौड़ना ही काम है उनका, चलते रहो और देश को भी आगे बढ़ाते रहो। अच्छछा। और वो हमारे भिलाई को बहुत आगे बढ़ाए हैं और काम तो हमने ग्राउंड लेवल पे देखा। वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने जमीन में जुड़ के काम किया है, मतलब अगर स्ट्रीट की एक लाइट भी खराब हुई ना तो उन्होंने खुद खड़े होकर बोले कि नहीं इसको बनाना। चलो ये सब बातें तो चुनाव के दौरान बहुत की गई है, अभी भी की जाए तो फिर क्या बात। अब तो खाली रिजल्ट देखना है, सर्टिफिकेट देखना है जो आपके भैया लेने आएंगे, और सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा ये हम आपको जरूर दिखाएंगे। जरूर लिखा होगा। चलो, आप सभी लोग कांग्रेस से हैं? जी हाँ। अच्छा, बीजेपी के लोगों को चिंता नहीं है क्या? बीजेपी के लोग हार मान चुके हैं। आप लोग तो पहले डिक्लेयर कर दे रहे हैं। बीजेपी के लोग पिछले 10 दिनों से यहाँ दिखे नहीं है। अच्छा, बीजेपी के लोग पहले ही हार मान। आप लोग कुल कितने लोग हैं? ये आप 3 6? अच्छा, सब अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हो? सब कांग्रेसी हम लोग। अच्छा, तो बीजेपी के लोगों को हार दिख गई है तो वो बोले हम इतनी मेहनत करें क्यों, अब हम मोदी जी के चेहरे को देखेंगे। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम शेख फिरोज है। शेख फिरोज जी जो है सीधा चेतावनी दे दे रहे हैं कि आप लोगों की चिंता ही से नहीं है। खैर, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे ऐसा हमने सुना था, मगर फिलहाल कांग्रेस के लोग ही मिले। अच्छा, वो जो मच्छरदानी लगा है वहाँ कौन सो रहा है फिलहाल अभी? पाटन वाले भी मौजूद है क्या? क्या नाम है भाई आप? योगेश कुमार साहू नाम है मेरा। योगेश कुमार साहू जी, क्या हाल है अभी? ठीक है, अपना पाटन जीत रहे। अपन पाटन जीत रहे हैं? जीत रहे। अच्छा, सब मतलब मान के ही बैठे हैं क्या यहाँ पर? बस अपने प्रमाण पत्र लेने आके ही बैठे हैं अपन यहाँ। ऐसा है क्या जी? बस यहाँ औपचारिकता बची बीजेपी वाले की। अच्छा, औपचारिकता बची है बस ये, तो यहाँ पर सोते हैं जी, ये व्यवस्था है जी। जी मच्छर उच्छर काट रहा करके लगाए थे कि बस ऐसी? नहीं नहीं, मच्छर काटता सर, आप 5 मिनट वहाँ बैठ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मच्छर है कि नहीं। ऐसा है क्या? बहुत मच्छर काटने के बावजूद भी यहाँ रुक रहे हो यार? जरूरी है, रुकना भी है। क्यों जरूरी है? जरूरी है, कितना जरूरी है तो नहीं पता। हम जीत गए। अरे तो भाई आप सपोर्ट करने आए हो और कितना जरूरी ये नहीं बताओगे? मच्छर मसला नहीं है सर, लेकिन मच्छर मसला नहीं है, आपका रुकना क्यों जरूरी है मसला है? अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हेमंत साहू। हेमंत साहू जी, आप भी पटना से आए हैं? पाटन से। अच्छा, पाटन से, सॉरी, पाटन से आए हैं। तो कौन सी विधानसभा पाटन से हैं? किनके सपोर्ट करने के लिए आए हैं? कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जी को सपोर्ट करने के लिए आए? हाँ। तो भूपेश बघेल जी यहाँ पर मच्छरदानी भिजवाएंगे, खुद लेके आए हो? नहीं, हम कार्यकर्ता है, अपने घर से भी लाए हैं, भिजवा भी सकते थे वो। लगभग कितने दिनों से हो आप यहाँ? हम शुरू से हैं। शुरू से हैं? हाँ। मतलब शुरू से कब से? 22 तारीख। अच्छा, 22? 19 तारीख से। हाँ। तो यहाँ
कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग रूम को कितना स्ट्रॉन्ग रखा जा रहा है? स्ट्रॉन्ग रूम पूरा स्ट्रॉन्ग है, देश के जवान है अभी। आप कितना स्ट्रॉन्ग हो अभी? हम पूरा फुल स्ट्रॉन्ग है। फुल स्ट्रॉन्ग हो ना? हाँ। भूपेश बघेल जी कितना स्ट्रॉन्ग है अभी? वो फुल स्ट्रॉन्ग है, वो भी फुल स्ट्रॉन्ग है। रिजल्ट कितना स्ट्रॉन्ग आएगा? रिजल्ट तो फुल आएगा, फुल आएगा, बस स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा। चलो ठीक है भैया, कहाँ थे आप? हम यहाँ पर कांग्रेस की कमेटी वहाँ बैठी हुई है, आप कहाँ चले गए थे? बीजेपी तब तो कोई था ही नहीं। हम हैं भाई, यही हैं, कहाँ जाएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? योगेश यादव जी। योगेश यादव जी जी, कहाँ से हैं आप? पाटन से। पाटन से हैं आप जी। क्या व्यवस्था है पाटन में, कैसी कैसा माहौल चल रहा है उधर अभी? बढ़िया माहौल था। तो यहाँ यहाँ पर आप कितने दिन से? 17 तारीख से हैं यहाँ पर, ऐसी टेंट लगा के। कांग्रेस वाले तो एकदम डिक्लेयर कर दी है चुनाव मतगणना से पहले कि हमारी पार्टी जीत रही है जी। आपको क्या लग रहा है? हम भी जीत रहे हैं भाई साहब, कोई दो मत की बात नहीं, सरकार बन रही है। वो भी बोल रहे हैं जीत रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं जीत रहे हैं, होगा क्या छत्तीसगढ़ का? जो होगा वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन आप लोग तो पहले बता दे रहे। हम तो बोल रहे हैं हम जीत रहे हैं, सरकार फुल बहुमत से बन रही है। अच्छा जी। अच्छा, आपके साथ और कोई है कि बस आप अकेले ही पाटन से लड़ने के लिए यहाँ पर आ गए हैं 17 तारीख से? सभी 6 विधानसभा देख रहे हैं हम। अच्छा, हम पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी और हमारे जो आए हैं उन लोग के ऊपर फुल विश्वास। अच्छा, ये बताओ स्ट्रांग रूम जो है जी, कितना स्ट्रांग है अभी? जी बहुत स्ट्रांग है और बहुत सटीक है। सटीक है जी। वो जो वहाँ पर LED लगा है बड़ा जी, सा जी, रात को जब सो जाते हो जी तो कौन नजर रखता है फिर? कौन सोता है बोल के बोला है हमको? अच्छा, भी बताओ, हम तो देख रहे हैं दिन सोते नहीं, नहीं, पूरा जागरण चल रहा है, पूरा जागरण चल रहा है, हम पूरा ध्यान रखा जा रहा है जी जी जी। मतलब कुछ भी चूक नहीं होने देना चाहते? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, होगा ऐसा। हाँ, बाकी पुलिस हमारे बेसब जवान कितना मदद कर रहे हैं आप लोग सिक्योरिटी को बनाने के लिए? फुल मदद कर रहे हैं भाई साहब जी। तो 3 तारीख को यहाँ पर भीड़ लग जाएगी जी, और आप लोग से जुड़े लोग और भी आ जाएंगे, माहौल एकदम दबादब गरम गर्मा गर्म हो जाएगा जी। उसके बाद शाम होते होते रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, वो भी मिठाई बटेगा, बम फटेंगे, लेकिन बिल्कुल जीतेगा कौन ये किसी को पता नहीं। तो KP न्यूज़ को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से जुड़े इस शंकराचार्य कॉलेज जो टेक्निकल कॉलेज है जहाँ पर इस बार मतदान गणना का केंद्र बनाया गया है, जहाँ से रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में कौन राज करेगा और कहाँ का कौन विधायक बनेगा और क्या कुछ होगा, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। KP न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।